एक छोटी धारा के रूप में निकलने वाली एक ऐसी नदी जो आगे चलकर इतनी ताकतवर हो जाती है कि भारत की सब नदियों को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा पानी वाली महानदी बन जाती है। अपनी लंबाई के कारण यह भले ही विश्व की 10 सबसे लंबी नदियों में भी नहीं गिनी जाती हो, लेकिन विशालता की वजह से इसकी तुलना अमेज़न और नील जैसी महान नदियों के साथ अक्सर की जाती है। बड़ी से बड़ी इंजीनियरिंग तकनीकी के बावजूद इंसान के लिए अपनी मर्जी से इस पर कोई बांध या अन्य ढांचा बना लेना बेहद मुश्किल भरा है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाने वाली और भारत, बांग्लादेश और चीन के करोड़ों लोगों के जीवन को आपस में जोड़ती हुई यह है विशाल, विहंगम, विकराल ब्रह्मपुत्र। साउथ तिब्बत में मानसरोवर झील से कोई 60 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 5300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चेमायुंगडुंग के पहाड़ों में एक बर्फीला झरना मौजूद है। दिखने में किसी आम बर्फ के ग्लेशियर के पिघलने से निकलने वाला यह झरना, जिसे स्थानीय लोग तामचोक खम्बाब कहते हैं, असल में बेहद खास है। यही ब्रह्मपुत्र का जन्म स्थान है। जैसे जैसे तिब्बत के पहाड़ी इलाकों से यह जलधारा आगे बढ़ती है, इसमें छोटे बड़े पहाड़ी नाले गिरते हैं और इस तरह यह एक नदी, जिसे सांगपो कहते हैं, में बदल जाती है। सांगपो ब्रह्मपुत्र का ही तिब्बती भाषा का नाम है। अपनी 2900 किलोमीटर की समुद्र से मिलने की लंबी यात्रा का अधिकतर हिस्सा ब्रह्मपुत्र इसी सांगपो नदी के रूप में तिब्बत के खूबसूरत पहाड़ों के बीच से बल खाते हुए गुजारती है। लगभग 1800 किलोमीटर तिब्बत में चलने के बाद अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री से पहले सांगपो हिमालय की पहाड़ी घाटियों में एक गहरा घोड़े की नाल के आकार वाला मोड़ बनाती है। यही वो जगह है जहां पर चीन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की चर्चाएं अक्सर उठती रहती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो यह भारत और बांग्लादेश के लिए चिंता पैदा कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश में आते ही इस नदी का नाम सांगपो से बदलकर दिहांग हो जाता है। अपने अंदर दिबांग और लोहित जैसी नदियों को समेटकर ब्रह्मपुत्र अरुणाचल से निकलकर आसाम और फिर वहां से निकलकर जा पहुंचती है बांग्लादेश में, जहां इसे जमुना नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में यह मिलती है पद्मा नदी से, जिसे भारत में गंगा का नाम मिला हुआ है। इन दोनों विशाल नदियों के मिलने से बनी मेघना नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और इस तरह से ब्रह्मपुत्र की महान यात्रा अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। ब्रह्मपुत्र में 5 देशों, भारत, चीन, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की जमीन का पानी आकर मिलता है, और इसी पानी पर इन देशों के करोड़ों लोग और किसान अपने जीवन यापन के लिए निर्भर हैं। इसके पानी का सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को मिलता है, जो किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है, और वो तेजी से आगे बढ़ती हुई बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। साथ ही साथ वाटर ट्रांसपोर्ट, पर्यटन से लेकर वनों और यूनिक इकोसिस्टम के चलते यह नदी इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देती है। ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से एक आकलन के मुताबिक अकेले भारत में ही 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाल के वर्षों में कई हाइड्रो पावर प्लांट्स इस नदी के किनारे बनाए गए हैं और कई और लगाने की प्लानिंग चल रही है। अपनी असीम ताकत और विशाल आकार के कारण ही शायद ब्रह्मपुत्र ऐसी गिनी चुनी नदियों में से है जिसका मेल नेम है, अन्यथा ज्यादातर भारतीय नदियों के नाम फीमेल होते हैं।
दुनिया की सबसे नई बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र अपने साथ इतना पानी बहाती है और कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई 18 किलोमीटर तक है, जिसकी वजह से ही इसे एक चलते फिरते महासागर का नाम दिया गया है। ब्रह्मपुत्र के किनारे पर सदियों से मानव सभ्यताएं बसी और उजड़ी हैं, और आज भी इस एरिया में विविध भाषाओं, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान वाले समुदाय बसे हुए हैं। अरुणाचल और असम की घनी पहाड़ियों में कुछ ऐसी जनजातियां भी छिपी होने का अनुमान है, जिनका बाहरी दुनिया से आज तक कोई संपर्क स्थापित नहीं हुआ है। इस नदी का ना केवल आर्थिक और सांस्कृतिक बल्कि धार्मिक महत्व भी बेहद खास है। विशेषकर हिंदू धर्म में इस नदी के कुछ हिस्सों को बेहद आदरणीय और पूजनीय माना जाता है। तिब्बत में अपने शुरुआती दौर में इसके चारों ओर भूरी और सूखी पहाड़ियां ही मौजूद होती हैं, क्योंकि कठिन मौसम और कम बारिश के चलते ज्यादा जीवन वहां संभव नहीं है। जैसे जैसे नदी आगे बढ़कर हिमालय की मुख्य रेंज में प्रवेश करती है, पहाड़ों का रंग भी बदलकर हरा भरा हो जाता है और जल्दी ही यह घने वर्षावनों में बदल जाता है। ब्रह्मपुत्र घाटी के घने जंगलों में जंगली जानवरों और पेड़ पौधों की बड़ी विविधता पाई जाती है, और कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजातियां भी इन जंगलों में मिलती हैं जिनका दुनिया में और कहीं भी अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ असम का काजीरंगा नेशनल पार्क देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ सबसे फेमस नेशनल पार्क्स में से गिना जाता है। यूं तो इसमें जानवरों की कमी नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्राणी भी यहाँ पर पाया जाता है जो सबसे अलग है। एक सींग वाला भारतीय गैंडा यानी राइनो काजीरंगा नेशनल पार्क की पहचान बन गया है। ब्रह्मपुत्र और काजीरंगा में बढ़ते मानव दखल के कारण एक समय विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका यह विशाल प्राणी अब एक बार फिर से खूब फल फूल रहा है और 2000 से ज्यादा की संख्या में इस पार्क में मौजूद है। ब्रह्मपुत्र के जंगलों में बांस से लेकर कीमती लकड़ियों वाले कई तरह के पेड़ भी मिलते हैं, जिनका एक अलग ही आर्थिक महत्व होता है। इसके अलावा जहां ये नदी गंगा के साथ मेघना के रूप में समुद्र में मिलती है, वहां विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है। यह डेल्टा इतना विशाल और पेड़ पौधों से भरा हुआ है कि इसे एक अलग जंगल सुंदरबन का नाम दिया गया है और अंतरिक्ष से भी नजर आता है। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर से लेकर मैंग्रोव वनस्पति तक अलग अलग तरह की जैविक विविधता पाई जाती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र सिर्फ प्यार ही नहीं लुटाती है बल्कि अपने उग्र रूप से जीवन के लिए खतरे भी बहुत पैदा करती है। हर साल मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र के कैचमेंट एरिया में खूब बारिश होती है और नतीजा होता है कि नदी बेकाबू होकर उफनने लगती है। इसी उफान की चपेट में लाखों वर्ग किलोमीटर का एरिया आ जाता है और ब्रह्मपुत्र किसी समुद्र की भांति दूर दूर तक फैल जाती है। इंसानों से लेकर जंगली जानवरों तक को अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। इस बाढ़ से एक बड़े इलाके से खेती नष्ट हो जाने समेत कई तरह के अरबों रुपयों के आर्थिक नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। बाढ़ की यह स्थिति लगातार हो रहे क्लाइमेट चेंज के कारण और भी विकराल होने का अनुमान वैज्ञानिक लगा रहे हैं। नदी के साथ लगातार हो रहे मानवीय खिलवाड़ से भी नदी के नाजुक इकोसिस्टम पर बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। साथ ही साथ हिमालय का यह पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील एरिया में पड़ता है। इस वजह से यहाँ छोटे भूकंप आना तो आम बात है, एक बड़ा भूकंप भी कभी भी आ सकता है, और अगर ऐसा हुआ
तो ब्रह्मपुत्र और भी विकराल और खतरनाक रूप धारण कर लेगी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बाढ़ और नदी का नया आबादी वाले एरियाज में रास्ता बनाने जैसी कई संभावनाएं हो सकती हैं, जिनके घातक परिणाम सामने आएंगे। आमतौर पर ब्रह्मपुत्र जानी जाती है अपने बेहद तेज बहाव के कारण, और इसी वजह से ब्रह्मपुत्र के वेग को रोक पाना इतना आसान नहीं रहा है। हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ से बचाव के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं, जो भी संरचनाएं बनाई जाती हैं, यह नदी उन्हें अपने संपूर्ण उफान पर साथ बहा ले जाने में देर नहीं लगाती है। तिब्बत से चलते हुए इसका पानी बेहद साफ होता है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ और विशेषकर भारतीय हिमालय क्षेत्र में उफनते पानी के कारण भारी मात्रा में पहाड़ों और मिट्टी का कटाव होता है, जिस वजह से पानी में भारी मात्रा में सिल्ट मिल जाती है। आपदा और बाढ़ प्रबंधन के उपायों में पानी में भारी मात्रा में सिल्ट का होना भी एक बड़ी बाधा बनता है। ब्रह्मपुत्र अपने आप में एक अद्भुत और यूनिक नदी है, जिसकी मिसाल दुनिया में शायद ही कहीं और मिलती हो। अपने जन्म से लेकर समुद्र में मिलने तक की अपनी लंबी यात्रा के दौरान कई जगहों पर किसी देवता की तरह पूजी भी जाती है, तो कई जगहों पर लोगों को डराती भी है। यह नदी जहां एक ओर करोड़ों लोगों और जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करती है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी विनाशकारी बाढ़ से लाखों जिंदगियों की समाप्ति का कारण भी बनती है। आप इसे चाहे जिस रूप में देखें, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर यह नदी नहीं होती तो बहुत संभव है कि हिमालय और उसकी तराई के मैदानों में एक बड़ा इलाका वीरान और बंजर पड़ा रहता। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। बने रहिए मेरे साथ।